सरकार की नई नीति बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। लेवल वन की अगर बात करें, अब बीएड विद्यार्थी भी कर सकते हैं आवेदन, जबकि इससे पहले रीच लेवल वन में बीएसटीसी विद्यार्थी ही कर सकते थे आवेदन। अब ऐसे में बीएसटीसी विद्यार्थियों की सरकार से मांग है, रीट लेवल वन से बीएडधारियों को हटाने की मांग को लेकर कई बार सोशल मीडिया का सहारा लिया जा चुका है और आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड की बीएसटीसी विद्यार्थियों की मांग। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें और इस खबर के जरिए हम आपको ये जानकारी दे दें कि सरकार की नई नीति बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। और ललित वर्मा की ओर रुक करें, हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ में मौजूद हैं। ललित, अब ये पूरी खबर समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो नई नीति है वो विद्यार्थियों के लिए बेहतर नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत ही बन रही है। बिल्कुल गीतांजलि, अगर बात की जाए रीट लेवल प्रथम और द्वितीय की, तो रीट लेवल प्रथम में अब तक सिर्फ बीएसटीसी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते थे, तो वहीं रीट लेवल टू में जो बीएडधारी हैं वह आवेदन कर सकते थे। लेकिन शिक्षा की जो नई नीति है उसके तहत अब रीट लेवल वन में बीएड के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बीएसटीसी के विद्यार्थियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीएसटीसी के वो विद्यार्थी हैं जो बारहवीं पास करने के बाद बीएसटीसी करते हैं, तो वहीं बीएड ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। तो ऐसे में अब बीएसटीसी को चिंता सताने लगी है कि यदि लेवल वन में भी बीएडधारी आवेदन कर पाएंगे तो ऐसे में उनके पदों में कटौती होना पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि बीएड वाले ज्यादा योग्यधारी होते हैं, उनकी स्टडी अलग होती है। तो अब बीएसटीसी जो धारी है वह अभ्यर्थी अब लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नई नीति है उसको वापिस से बदला जाए और लेवल वन में सिर्फ बीएसटीसी के विद्यार्थियों को ही आवेदन किया जाए, तो वहीं लेवल टू में बीएड के लिए रखा जाए। इसको लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया का लगातार ये अभ्यर्थी सहारा ले रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो जो ट्विटर है उस पर ट्रेंड भी किया। अब ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में इस मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।